वेलकम ट्रेडर्स, आइए देखते हैं कल की मार्केट एनालिसिस क्या हो सकती है। तो आइए हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, देन देखते हैं आज क्या रहा मार्केट में। आज तो वैसे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही है, तो पहले हम इंडिकेटर्स को ऑफ करते हैं, देन हम वन डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। वैसे मार्केट ने दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है, तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो वैसे ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो इससे देखकर लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से स्टेज पे मूवमेंट दिया है। तो अगर इसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करना होगा तो हल्का सा पुल बैक लेकर ही ब्रेक करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस वजह से हम आइए देखते हैं आगे वन आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो सकती है प्लानिंग। वैसे यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट तो बना हुआ है, ये लेवल हमारा है ये वाला, इस लेवल हमारा है 52,850 का। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज हमें वैसे तो सेलिंग का प्रेशर दिखा है थोड़ा बहुत ऑल टाइम हाई से, तो कल अगर मार्केट 53,000 के आसपास फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन खुल के 10 मिनट पाँच मिनट यहाँ पर सस्टेन करके अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन करती है तो हम एक पी साइड का ट्रेड देख सकते हैं, और मार्केट फ्लैट ओपन होके और ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस जाके आधे घंटे या 20 मिनट टाइम स्पेंड करती है, देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो सिंपल एनालिसिस रखेंगे आज बस इतना ही, क्योंकि मार्केट में आज कुछ खास मूवमेंट नहीं था, ऊपर सेलर्स हैं नीचे बायर्स हैं। कल जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड का ट्रेड करने का हम प्लान करेंगे। आज की एनालिसिस इतनी रखते हैं।